Assalamu alaikum student, welcome back. Aaj is video mein hum medical surgery ke bare mein chapter 8 chapter 9 and chapter 10. Chapter 8 medical mein wo keh rahe hai ki hamare paas ek water wave hai aur wo shadow region mein shallow region matlab jahan par gehrai kam hoti hai. Aur wahan par jo wave hai wo 6 cm long hai. To 10.8 hai. 10.8 to sab ka kya karenge given. Given data hamare paas kaun sa hai wo हम कहेंगे जी हमें रिक्वायर्ड क्या है, फिर हमारे पास जी फार्मूला कौन सा हम यूज करेंगे और फिर हम कहेंगे सोल्यूशन इसका. ठीक हो गया. अच्छा गिवन कह रहा है कि वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव है, मतलब वेवलेंथ है हमारे पास वेवलेंथ इनके लैम्डा वी हैव 6 सेंटीमीटर. सो उसका सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 / 100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर. ठीक हो गया. अच्छा फिर वो कहते हैं फिर वो कहता जी द वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड. जो वेव है वो कह रहा है कि वो अप एंड डाउन इस तरह ऑसिलेट कर रही है और वो कर रही है एट द रेट. रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम. डिवाइड बाय टाइम 4.8 मतलब 4.8 डिवाइड बाय टाइम. और टाइम किसमें, टाइम सेकंड में. ठीक है तो ये मेरे पास क्या होगा 4.8, ये मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स. इसमें कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, वो इज इक्वल टू किसके होता है फ्रीक्वेंसी के. ठीक है तो 4.8 में है वो वेव्स हैं, तकरीबन 5 वेव्स हैं. तो नंबर ऑफ वेव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से इन 1 सेकंड. टाइम कितना, 1 सेकंड. टाइम मेरे पास है 1 सेकंड. ठीक है तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में कितनी होगी 4.8 हर्ट्ज़. ये बात समझ गए. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, और वो कह रहा है जो नंबर ऑफ वेव्स है वो हमारे पास है 4.8 और टाइम उनके लिए रिक्वायर्ड है 1 सेकंड. 4.8 डिवाइड बाय 1, तो जब 4.8 को 1 पर डिवाइड करें तो 4.8 ही आएगा. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 4.8. तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है यानी कि f स्मॉल f वो है 4.8 हर्ट्ज़. अब अपने मालूम करने दो चीजें मालूम करनी है. वो कह रहे स्पीड ऑफ वाटर वेव मालूम करना है और टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव, दो चीजें मालूम करनी है. स्पीड ऑफ वेव भी हमने मालूम करना है और टाइम पीरियड ऑफ वेव. इनकी कैपिटल टी हमने ये मालूम. तो स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा, और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल. ठीक हो गया. तो पहले बात करते हैं v की. v इज इक्वल टू f लैम्डा, वैल्यूज पुट करते हैं. f हमारे पास है, f हमारे पास बिल्कुल है 4.8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा बिल्कुल है 0.06. तो v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं इनको. ओके कैलकुलेटर यूज करते हैं तो 4.8 मल्टीप्लाई 0.06 तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.288. ये हमारे पास है जी v वेलोसिटी यानी कि स्पीड है ये 0.288 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारे पास है जी स्पीड उस वेव. दूसरी चीज हमने मालूम करनी है जी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होगा जी 1/f. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f. f मतलब फ्रीक्वेंसी, वो है 4.8. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/4.8 ये आ रहा जी 0.208 और सेकेंड. ये हमारे पास है इसका टाइम. ठीक हो गया. चले नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कह रहा जी एक हमारे पास रिपेल टैंक है और वो है जी 80 सेंटीमीटर 10.8. वो कह रहा है कि एक हमारे पास रिपेल टैंक है. सपोज मैं ये रिपेल टैंक बना, सपोज ये हमारे पास टैंक है और उसका पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी का डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर. ठीक है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसका डिस्टेंस टोटल है वो 80 सेंटीमीटर है और साथ में लिखते बताते हैं डिस्टेंस लेंथ क्या लें, एस क्या लें, डी क्या लें, एक ही बात है 80 सेंटीमीटर लेंथ डिस्टेंस या डी एस एल वर्सेस. तो इसको हम पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8 मीटर. ठीक है अब वो कह रहा है जो इसमें वेव प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की 5 हर्ट्ज़ है.
तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वही 5 हर्ट्ज, ठीक 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस रिपल टैंक में प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि इसके अंदर वाटर है। अच्छा, और फिर वेवलेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर जो वेवलेंथ हमारे पास है जिनके लैम्डा वो है 40 मिलीमीटर। तो सबसे पहले इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में चाहिए मिली की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा 40 × 10⁻³, ठीक है मिली हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, चलो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अच्छा ये हमारे पास गिवन में, फिर वो कह रहा है कि फाइंड टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द एयर। वो कह रहा है कि अब वेव ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, डिस्टेंस उसने दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, वेवलेंथ दे दिया। अब वो कह रहा है बताएं वेव जब ए पॉइंट से प्रोड्यूस होगी, इस पॉइंट से प्रोड्यूस होगी, उसको पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने स्मॉल टी मान लो, टाइम पीरियड नहीं है, स्मॉल टी है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा उस वेव को क्रॉस होने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, रिपल टैंक के वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक हो गया। तो हमने टाइम मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, तो टी को उधर ले जाए, वी को इधर ले, तो बन जाएगा टी इज इक्वल टू एस बाई वी। एस हमारे पास है बिल्कुल, ये मतलब एस या जो भी है ये हमारे पास है, वी वी इज़ अ वेलोसिटी, वी इज़ अ स्पीड ऑफ अ वेव, तो वी हमारे पास है, तो पहले हमें वी चाहिए होगा, इसको कोई नंबर 1 का नाम दे दें। अब वी कहाँ से निकालेंगे, वी के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लिखा सकते, क्यों, क्योंकि ये अगर वी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस हमारे पास है टाइम मालूम करना, तो हम लगाते हैं वेव वाला फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हम हमें यहाँ से वी मिले, वी को भी ध्यान, एफ है हमारे पास बिल्कुल है, लैम्डा है, लैम्डा बिल्कुल है, तो हमने इसलिए फॉर्मूला लगाया। एफ हमारे पास है जी 5, लैम्डा हमारे पास है जी 40 × 10⁻³, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज करते हैं, इजी हो जाएगा, 5 × 10⁻³, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2, जो स्पीड आ रही है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो इस वी को पुट कर देते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आएगा जी टी इज इक्वल टू एस बाई वी, तो टी इज इक्वल टू एस कितना है, एस हमारे पास हो गया 0.8, वी हमने निकाला है 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.8 / 0.2, ये जी 4 मीटर टाइम है, तो 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड लगेंगे जी इस वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 10.9 हमने कर लिया, ये पहला 10.9 था, 10.9 था, नेक्स्ट है जी 10.10, तो 10.10 में वो कह रहा है जी व्हाट इज द वेवलेंथ, 10.10 वट इज द वेवलेंथ, मतलब हमने वेवलेंथ मालूम करना है, लैम्डा हमने मालूम करना है, ठीक है किसका, हमारे पास एक वेव है, वो है रेडियो वेव, एफएम रेडियो, रेडियो वेव है, और रेडियो वेव कौन सी होती है, रेडियो मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, मतलब इसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास एक रेडियो वेव है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 90 मेगाहर्ट्ज़, फ्रिक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़, मेगा क्या होता है, मेगा 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 होता है जनाब 10⁶ हर्ट्ज़, मेगा क्या होगा हमारे पास एम इज इक्वल टू मेगा, और मेगा होता है 10⁶, ठीक हो गया, ये प्रीफिक्सेस हैं जो हमने 9th में पढ़े हैं, चलें जी। अच्छा और एक चीज़ याद रखें, चले इसको करते हैं, हमने लैम्डा मालूम करना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा अगर हमने मालूम करना है, एफ तुम्हारे पास है वी, वी अच्छा एक चीज़ याद रखें, वी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन सब टाइम होता है कि क्वेश्चन के अंदर वी एम गिवन नहीं होगा, तो वी क्या होगा, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होगी, ये है हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एफएम होते हैं ना, रेडियो वेव होती है, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इनकी जो स्पीड होती है वो थी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये फिक्स होती है। इसको आपने नहीं बोलना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब जो रेडियो वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट आपने नहीं बोलनी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। समटाइम होगा क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन होगी, समटाइम होगा ये वैल्यू गिवन नहीं होगी। अगर वो बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडियो वेव्स है, टीवी वेव्स है, हीट वेव्स है, इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, अगर उसकी वैल्यू नहीं होगी गिवन स्पीड की, उनकी स्पीड की वैल्यू अगर गिवन नहीं है, तो आपकी आंखें बंद करके स्पीड लगा देंगे, ठीक है। तो वी हमारे पास होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वी चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ मल्टीप्लाई इस तरफ अगर डिवाइड हो जाएगा तो वी इज ओवर डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू लैम्डा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी हमारे पास है 3×10⁸ और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90×10⁶। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं जी, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 3×10⁸ डिवाइडेड बाय 90×10⁶, और ये हमारे पास आ जाए 3.3333 यानी कि 3.34 मीटर। हम ये कह रहे हैं ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडियो वेव है उनकी वेवलेंथ है, क्लियर। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल जो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको इस चैप्टर के फॉर्म न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।